हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, होप मोशन चैप्टर समझ में आ रहा होगा। और एक दो क्वेरीज आई है मेरे पास, फ्री फॉल टॉपिक। किसी को शगुन को शायद समझ नहीं आया, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी लास्ट में, वीडियो की लास्ट में रिपीट करा देंगे। और स्टार्टिंग से देखिए बेटा, मैंने आपको कल एक चीज कही थी, दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो बेटा मेरे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका मेन मोटिव क्या करवाने का, सबसे पहला मोटिव। देखो बेटा, आपके पास आपने छह सात चीजें पढ़ी। आपने इनिशियल वेलोसिटी पढ़ा कि यू से डिनोट होता है, आपने फाइनल वेलोसिटी पढ़ा, आपने डिस्टेंस पढ़ा, आपने एक्सेलरेशन पढ़ी, आपने टाइम पढ़ा। तो ये पांच चीजें आपने पढ़ी, और इन पांच चीजों में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है बेटा मेरी, वो रिलेशन बताती है। क्या बताती है? रिलेशन बताती है। ठीक है बेटा मेरे, कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि मैं यहां से शुरू हुआ, अपने घर से एक्टिवा चलानी शुरू करी, 10 सेकंड बाद मेरी स्पीड जो थी वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये बताओ 10 सेकंड बाद मैं कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था। कैसे बताएं? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वो आप डायरेक्ट डिस्टेंस तो निकाल नहीं सकते, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड अपॉन टाइम, क्योंकि आपकी स्पीड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हर एक सेकंड बाद स्पीड चेंज हो रही है। तो कैसे निकाले बेटा मेरे? तो उसके लिए हमारी मदद करने लगी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें रिलेशन बताती है। दिस हेल्प्स अस टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वी यू ए टी एंड एस। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली हम पढ़ेंगे, और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ ना कुछ इसमें से यूज हो ही रहा होगा। देखो बेटा मेरे, अब इसमें ना एक चीज है, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हो तो एक चीज याद करना, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा हो। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड जो है वो बराबर बराबर बढ़ रही हो या बराबर बराबर कम हो रही हो। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए वैलिड नहीं होती। ये तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन फिक्स्ड हो, ठीक है ना? पूरी जर्नी के लिए एक्सेलरेशन क्या हो बेटा मेरे? फिक्स्ड हो। अगर एक्सेलरेशन फिक्स्ड नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम नहीं लगा सकते। तो इन ऑर्डर टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, in order to derive equation of motion, the object should be in uniform acceleration. The object should be in uniform acceleration. Object जो है वो हमारा uniform acceleration में होना चाहिए। अगर object आपका uniform acceleration में नहीं है तो equation of motion हम उसमें नहीं लगा सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली फॉर्मूला है, तीन रिलेशंस बताएगा जिसकी वैल्यू में हम पुट करेंगे और जो चीज निकालनी होगी वो निकाल सकते हैं हम। डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, टाइम निकाल सकते हैं। तो देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा, मैं पहले बता रहा हूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली का नाम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये फॉर्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां पे वी पता है आपको क्या है? वी यहां पे है फाइनल वेलोसिटी। पहले मैं बता चुका हूं वी को क्या बोलते हैं। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होती है एक्सेलरेशन, और टी होता है आपका टाइम। ठीक है बेटा, बार बार नहीं लिखूंगा, सेम ये बात है। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। अब तुम कहोगे सर इसमें वेलोसिटी टाइम क्यों बोला आपने? देखो बेटा मेरे, इसमें ना
आपको एक चीज बता दी, एक्सेलरेशन फिक्स रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती, जो एक एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में है वही की वही एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो तो चेंज नहीं होने वाली, फिक्स है। यू जो होता है जितना आपने ऑब्जर्व करा उतना ही रहेगा। यू जो है आपने स्टार्टिंग से उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से देखा तो यू जीरो हो जाएगा, अगर आपने शुरू से उसको तो कहीं किसी स्पीड से देख लो तो वो यू की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब यू भी फिक्स्ड होता है एक तरीके से। चेंज क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फाइनल वेलोसिटी जो होती है, मतलब जो लास्ट में देखते हैं वो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो चेंज क्या क्या होता है, चेंज हो रहा होता है फाइनल वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा होता है साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है बेटा, अब सेकेंड जो है उसको बोलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको बोला जाता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा मेरे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे यू आपको पता है इनिशियल है, टी टाइम है, हाफ ए एक्सेलेरेशन, टी टाइम, एस यहां पे आपको एक नई टर्म आ गई जो पहले बता चुका हूं तुम्हें। एस होता है बेटा मेरे डिस्टेंस, एस क्या होता है, एस होता है डिस्टेंस। अब थर्ड है मेरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको बोलते हैं बेटा मेरा वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। अब देखो बेटा आपने पूछा समझा होगा सर डिस्टेंस टाइम क्यों बोला, आपको पता है u फिक्स है a फिक्स है, तो आपको दो चीजें क्या दिख रही है, एक तो टाइम दिख रहा है और एक डिस्टेंस दिख रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस टाइम, आपको वेलोसिटी नहीं दिख रही। अब इसमें देखो बेटा डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी तो मान नहीं जाती, आपको पता फिक्स है a फिक्स है, क्या क्या दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी और डिस्टेंस, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। अब एक एक करके मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाला हूं। क्या करने वाला बेटा मेरे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाला हूं। देखो मैं कैसे डिराइव करता हूं और पूरा डिटेल में समझ रहा हूं, हर चीज डिटेल में समझ रहा बेटा मेरे। हाँ तो बेटा मैं ये देखो, अब मैं डिराइव करने वाला हूं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि वो जो फॉर्मूला बना वो कैसे बना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, हम सबसे पहले आपको लाइन से समझाता हूं और आपने उसके बाद एक ग्राफ बनाना है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है ना वो हम करेंगे ग्राफ के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जो आप नोटबुक पे बना सकते हैं। ग्राफ जो पिछले थे वो तो ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, बट ये आप नोटबुक पे बना सकते हैं। देखो बेटा मैंने क्या किया, लेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू। मैंने क्या किया बेटा, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया जो मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, ठीक है, and then the object accelerate, उसकी speed continuously increase होने लगी। अब speed continuously increase होने लगी इसका मतलब acceleration होगी, accelerate with acceleration a, इसके साथ move कर रहा था acceleration a के साथ, it reaches final velocity v in t second, final velocity v in t seconds में वो v velocity पे पहुंच गया। समझो बेटा, पहले तो ग्राफ नहीं बना रहा, पहले समझो
मतलब क्या इस पॉइंट में? वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट था जिसको आपने यू से देखा, उस समय उसकी वेलोसिटी यू थी, एक्सेलरेशन ये थी, मतलब उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज करने मतलब हर बार दो दो स्पीड इंक्रीज करी, पहले 8 की स्पीड अप्रोक्स, मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ, लगभग मान लो पहले 8 की स्पीड थी, फिर 10 होगी एक सेकंड बाद, फिर 12 होगी, फिर 14 होगी, तो एक्सेलरेशन क्या है इसमें? एक्सेलरेशन है आपकी दो, दो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, हर सेकंड स्पीड क्या बढ़ रही है, दो 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 दो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपकी हर सेकंड स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है। देखो बेटा मेरे, तो यू वो थी, मैंने इसको टी सेकंड तक देखा और इसकी फाइनल वेलोसिटी पहुंच गई वी, वो कुछ भी हो सकती है। अब इसको ग्राफ की फॉर्म में कैसे देखेंगे बेटा, वो देखो, देखो बेटा आपको पता है अगर आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो आप ऑब्वियसली कौन सा ग्राफ बनाओगे, वेलोसिटी टाइम। तो एक तरफ मैंने क्या ले लिया, एक तरफ मैंने ले लिया वेलोसिटी, और एक तरफ मैंने क्या ले लिया बेटा मेरे, एक तरफ मैंने ले लिया टाइम। ये मेरा हो गया ओरिजिन। आपको पता है हर किसी केस में मैं एक रेफरेंस पॉइंट मानता था, शुरू मैंने आपको बताया बेटा, तो वो जो हो गया ना मेरा ओरिजिन हो गया। अब मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से ऑब्जर्व करा, किसे ऑब्जर्व करा, ए पॉइंट से, और उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, यू, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, यू, ठीक है बेटा मेरे। अब जैसे जैसे, बात सुना मेरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टी, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब तुमको कह सर ये आप टेढ़ा एंगल क्यों बना रहे हो, देखो बेटा मेरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। हाँ तो बेटा मेरे, देखो मैं कह रहा था आपको कि ए पॉइंट मान लिया, उस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, यू थी, ठीक है बेटा मेरे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। मान लो एक पॉइंट ऐसा आया बी, जहां तक मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा, और उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, वी, उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, वी। अब जैसे जैसे ये मूव कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब इस बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन। आपको पता है अगर आपकी स्पीड चेंज करती है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, और अगर बॉडी की मूव चेंज नहीं करती तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, पैरेलल बनती है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाती है बेटा मेरे, एक्सेलरेशन हो जाती है जीरो। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको स्लोप क्या बताता है, स्लोप आपको बताता है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है बेटा मेरे। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे इस स्लोप की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है ये वाली एक्सिस क्या होती है बेटा मेरे, ये वाली एक्सिस होती है वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली एक्सिस होती है मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा, इस पॉइंट तक पहुंच गया जब वेलोसिटी क्या हो चुकी थी, वी, और टाइम जो हो चुका था वो हो चुका था टी सेकंड पूरे, ठीक है बेटा मेरे। यहां तक मैंने ऑब्जर्व करा जब वेलोसिटी क्या पहुंच चुकी थी, वी हो चुकी थी, और उस समय टाइम क्या हो चुका था, टी सेकंड हो चुका था। अब इस ग्राफ को पूरा करो, ठीक है बेटा, जो जो वैल्यू है वैल्यूज को ले लो, ओ ए बी सी डी और ई पॉइंट मान लिया, ठीक है बेटा। अब यहां तक वेलोसिटी बी हो चुकी है, यहां तक यू थी, ठीक है, इसका मतलब जो मेरा ओ ए था वो तो यू था, और जो मेरा ओ बी था वो क्या था, वी, मतलब समझो ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी क्या थी, यू थी, ठीक है बेटा मेरे। OA का क्या था, OA की वैल्यू थी U, और पूरा OB क्या था, B पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, V, तो मेरा OB क्या हो गया, पूरा V हो गया, हां जी। तो अगर ये मेरा U है तो मैं कह सकता हूं ये DE जो है वो भी U होगा, DE भी क्या होगा, U होगा, और अगर मेरा पूरा OB V है तो मेरा CE भी पूरा क्या होगा, CE भी पूरा मेरा V होगा। देखो बेटा पूरा V है, ये पार्ट U है, तो ये बचा हुआ CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा मेरा V minus U, CD क्या हो जाएगा बेटा मेरा, CD हो जाएगा V minus U। अब देखो बेटा मेरा OE ये कितना था, ये T second था, कितना था, T second, तो ये AD भी मेरा क्या हो जाएगा, T, AD भी क्या हो जाएगा, T। अब देखो मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूं, OA मेरा U था, OB मेरा क्या था, फाइनल वेलोसिटी V,
ऐसे ही सी ई मेरा क्या हो गया, वी हो गया, डी ई मेरा क्या था, यू था, सी डी मेरा क्या था, सी डी मेरा था वी माइनस यू। अभी हमारे पास सवाल होगा बेटा सर आपने ये सी डी की वैल्यू निकाल ली क्यों, क्या जरूरत है सर इसकी, अभी वो भी बात करेंगे, अभी सिर्फ लिख लेते हैं सी डी क्या था मेरा वी माइनस यू। ओ ई मेरा क्या था, ओ ई मेरा था टी सेकेंड, और ओ ई मेरा टी है तो ए डी भी मेरा क्या हो जाएगा, ए डी भी मेरा हो जाएगा बेटा टी सेकेंड। ठीक है राजा, यहां से ए डी भी मेरा क्या हो जाएगा टी सेकेंड हो जाएगा। हाँ जी, अब आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है मेरा वाई एक्सिस बाय में एक्स एक्सिस। स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाय में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस डिवाइड बाय में एक्स एक्सिस। अब स्लोप मेरा शुरू कहां से हो रहा है, यहां से, तो मैं जो वैल्यू लूंगा वो कहां से लूंगा, इस पॉइंट से लूंगा, इससे नीचे वाली कोई भी वैल्यू काउंट नहीं करूंगा, इसलिए जो मेरा y एक्सिस शुरू होगा पहले केस में वो यहां से शुरू होगा, ये y एक्सिस हो गया और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया मेरा x एक्सिस। तो स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस क्या हो गया मेरा, y एक्सिस हो गया cd, और x एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस हो गया ad। अब हां जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। CD की वैल्यू क्या थी, CD की वैल्यू थी v माइनस यू, AD की वैल्यू क्या थी, AD की वैल्यू थी t, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई करके AT इज इक्वल टू v माइनस यू, माइनस का यू इधर जाके प्लस का, u प्लस AT इज इक्वल टू v, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस AT, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी, हेंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें आप, अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी। इसी तरीके से हम आगे जाके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुई है, तो इसका यूज कहां होगा, देखो बेटा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको मैं फाइनल वेलोसिटी दे दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी दे दूंगा, एक्सेलरेशन दे दूंगा, आपको कहूं कितना टाइम, तो ये बताओ, फॉर एग्जांपल एक आपको चीज दिखाता हूं, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 50, ठीक है बेटा मेरे, आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा 5 सेकंड तक, कितना टाइम तक देखा 5 सेकंड तक, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 70 मीटर पर सेकंड, और अब आपको कहा जाए एक्सेलरेशन निकालो, देखो बेटा आपके पास v है 70, u है 50 प्लस a इंटू 5, पहले इधर जाके माइनस करो 70 में से 50 गया, 20 is equal to a into 5, 1 पे 4 पे acceleration कितनी आ गई 4 meter per second square। इसका मतलब क्या बेटा मेरे, इसका मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो हर सेकेंड के बाद 4 इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला उसका यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मूला, जो तीनों फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन में फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, थर्ड में करूंगा, जैसे ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसा हमारा आंसर तैयार हो। होप आपको समझ में आ रहा हो, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मोशन बहुत जल्द करेंगे बेटा मेरे, थैंक यू वेरी मच, आपके पास वीडियो आती रहेंगी, प्लीज देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बताते रहिए, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो वीडियोस ना देख पाए, अभी बहुत देर है, 15 डेज में अभी रहना है, कम से कम लॉकडाउन तो है ही, आगे जो होगा वो भी हमें नहीं पता, तो वी हैव टू प्रे टू गॉड प्लीज ये सिचुएशंस अच्छी हो जाए, हम स्कूल जाने शुरू हो जाए, लेक्चर्स हमारे कंटिन्यू, फिर भी टेंशन मत लीजिए, स्कूल जाने के बाद भी आई विल प्रोवाइड यू दैट लेक्चर्स, हमारी ऐप कंटिन्यू आपको लेक्चर्स देती रहेगी, थैंक यू।